नीतीश कुमार का तो कहीं कोई ग्रिप है नहीं। जब लोकतंत्र में शासक जब कमजोर होता है तो ब्यूरोक्रेसी हावी होता है। बच्चे स्कूल बैग में लेकर शराब बेच रहे हैं, तो पूरे जनरेशन को खराब कर दिया नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। इनसे मिलिए के इस सेगमेंट में आज हमारे साथ हैं बिहार विधानसभा के सदस्य और मीनापुर से आरजेडी के विधायक राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव। राजनीति का मौसम बदल रहा है विधायक जी। अभी कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा आपके महागठबंधन में शामिल हुए, कल मुकेश सहनी को आपने झटक लिया, इससे पहले आप जीतनराम मांझी को भी महागठबंधन का हिस्सा बना चुके हैं, तो अब अगला निशाना कौन होगा? हमें तो उम्मीद है कि जितना जल्दी हो सकता है रामविलास जी भी आएंगे। भले उन लोगों को आपस में सीट का बंटवारा हो गया हो, लेकिन कुछ ऐसे सीट होंगे जिस पर उनका जीत होगा और वो भी महागठबंधन में शामिल होंगे, क्योंकि सामाजिक न्याय का जो विचारधारा है, और हमारे नेता भी कहते हैं कि जो इस विचारधारा के लोग हैं सभी एक हो जाएं, और उस करीब रामविलास जी भी आएंगे। क्या वजह है कि इलेक्शन आने के बाद आपने एनडीए के सिपाह सालारों के कुवत पर चुनाव जीतने की रणनीति बनाई? क्या राजद को खुद पर भरोसा नहीं रहा? नहीं, यहां इसके लिए नहीं कि राजद के पास वोट की कमी है। हम लोगों ने पूरे देश में एक मैसेज देना चाहा है कि जितने भी सेकुलर ताकत हैं सब एकजुट हो, और जब तक सब एकजुट नहीं होगा, क्योंकि छोटी छोटी पार्टियां हम लोगों का जो बिखराव हो जाता था जिसके कारण एनडीए को फायदा होता था, आज एनडीए भी तो एक पार्टी का है नहीं, कई पार्टियां हैं, हर स्टेट में अलग अलग उसका अपना गठबंधन होता है और उसके मुताबिक वो भी काम करता है। तो हमारे भी नेताओं का सोच है क्या कि जितनी भी सेकुलर ताकत है उसको एकजुट करके हम एनडीए को हराने का काम करें। नीतीश जी बिहार में सुशासन की बात करते हैं, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, तो आपको इसमें दिक्कत कहां खड़ा हो जाता है? हमको तो लगता है कि मोदी जी के बारे में जो कहा गया था पहले की जुमला है, ये नीतीश जी का जुमला है। आए दिन मुजफ्फरपुर नहीं पूरे बिहार में अपहरण, बलात्कार, लूट का उद्योग खुल गया है और नीतीश जी नतमस्तक हो गए। और दूसरी बात है कि नीतीश जी की सरकार के मंत्री, मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जब कहते हो अपराधियों से हाथ जोड़ते हो और कहते हो कि एक महीना के लिए आप लोग माफ कीजिए, एक महीना के बाद फिर शुरू कीजिएगा, तो क्या उम्मीद लगाया जा सकता है कि उसमें सुशासन की सरकार है? 2015 में जो इलेक्शन में थे, चुनाव के मैदान में थे, तो आप लोगों का एक बड़ा स्लोगन था, बड़ा फेमस हुआ था कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार तो आज भी हैं। हम लोग ये कहे थे कि बिहार में बाहर है नीतीश की सरकार है, नहीं नीतीश कुमार, नीतीश कुमार की सरकार है। तो लेकिन एक बात हमको आपको बता देते हैं, आप ग्राफ देख लीजिए कि जिस समय महागठबंधन की सरकार बनी थी बिहार में और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन हुआ था, सरकार बनी थी, उस समय क्राइम का ग्राफ देख लीजिए, और जब से फिर दोबारा जो एनडीए के साथ इनका गठबंधन हुआ है, जो उस समय से क्राइम जो हुआ है उसका ग्राफ देख लीजिए, आपको बुझा जाएगा। शराबबंदी को लेकर के उन दिनों आपने भी उनके साथ कसम खाई थी, तो मानव श्रृंखला लगाए थे, मानव श्रृंखला भी लगाए थे आप, बिल्कुल। क्या हुआ, शराबबंदी कहां पहुंच के रह गया? अरे भाई, हमारा गठबंधन ही टूट गया, सरकार अभी उनके हाथ में है, हुकूमत अभी उनकी है। नहीं, विपक्ष में आप हैं, मजबूत विपक्ष में है, हम लोगों ने आवाज उठाया है, विधानसभा में हंगामा हुआ है कि अब होम डिलीवरी हो रहा है, महिलाएं पर्स में लेकर के शराब बेच रही है, बच्चे स्कूल बैग में लेकर शराब बेच रहे हैं, तो पूरे जनरेशन को खराब कर दिया नीतीश कुमार ने। निचले स्तर पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आप चाहे प्रखंड कार्यालय में चले जाइए, अंचल कार्यालय में चले जाइए, थाना पर चले जाइए, दलालों की एक लंबी फेहरिस्त काम करता है, बिना चढ़ावा के कोई काम आज हो नहीं रहा। एक बात हम आपको बता दें, इतिहास गवाह है कि जब लोकतंत्र में शासक जब कमजोर होता है तो ब्यूरोक्रेसी हावी होता है, और आज जो ब्यूरोक्रेसी है वो जान रहा है कि नीतीश कुमार कमजोर है, इसलिए उसकी मनमानी है। नीतीश कुमार का तो कहीं कोई ग्रिप है नहीं, प्रशासन जो है, जो ब्यूरोक्रेसी है, बेखौफ है एकदम, कोई खौफ नहीं है उसको। नीतीश जी कहते हैं कि पुलिस वाले का सही से काम करो, शराबबंदी को जमीन तक उतारो, लेकिन आज क्या है कि आज पुलिस वाले की मेन कमाई शराबबंदी हो गई है, क्राइम पर ध्यान उसका नहीं है, शराबबंदी पर है।
कोरम पूरा करना है गरीब। आज आप देख लीजिए, आप सर्वे कर लीजिए कि आज जेल में वही लोग बंद हैं जो गरीब लोग, 90% लोग गरीब लोग जेल में बंद हैं, जो तारी पी करके अगर रोड पर जा रहा है, ढनमना गया, पुलिस वाला पकड़ लिया, क्योंकि उसको भी छोड़ देता अगर उसके पास पैसा रहता, लेकिन उसके पास मजबूरी है, पैसा है नहीं, उसको जेल भेज देता है। आप जहां से प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके बारे में कहा जाता है कि आप मजबूत विधायक हैं, दबंग हम नहीं कहेंगे, हालांकि आपके कुछ शुभचिंतक आपको रॉबिनहुड भी कहते रहे हैं स्टार्टिंग दाथी की तो ऐसी परिस्थिति में आप के रहते ये सारी चीजें हो रही है, आपके लोग भी बड़ी परेशानी में हैं। तो देखिए, हमने कोशिश किया था शुरू में, जब हमारी सरकार थी उस समय हमने कोशिश किया था, और इसको लेकर के हमने मीनापुर, हमारा जो कंस्टिट्यूएंसी है, वहां के थानेदार को, तीन तीन थानेदार को मैंने सस्पेंड करा दिया था, और भरपूर कोशिश किया हमने कि नहीं, जो शराबबंदी कानून है वो लागू हो, शराब की लत जो है आदमी को छूटे, क्योंकि ये बुरी आदत है, सब जानते हैं बुरी आदत है। लेकिन जब गठबंधन हमारा टूट गया तो उसके बाद तो अफसर बेलगाम हो गया। अब हम लोग कहते भी हैं कि हाँ, घर घर में शराब घर घर तक पहुंच रहा है, लेकिन अब वो पदाधिकारी लोग कहता है कि सर पकड़वा दीजिए। अरे पकड़वाना मेरा काम थोड़े है, पकड़वाना आपका काम है, आप उसमें अपना मेहनत करो, उस पर ध्यान दो। अपने इलाके के विकास के लिए आपने कई सपने देखे थे, कई बार हमसे भी आपकी बात हुई तो आपने कहा कि ये मेरे हैं, तो क्या थे आपके सपने? देखिए, पहला जब चुनाव जीत करके हम आए थे तो आप लोगों ने जब हमसे पूछा था तो हमने कहा था हमारा मीनापुर क्षेत्र बहुत बदनामी से गुजर रहा है, और उस समय था क्या कि हमारे यहाँ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था और इस जिला का सबसे ज्यादा प्रभावित था। तो हमने इंटरव्यू में पहली बार बोला था कि अपने क्षेत्र में हम शांति बहाल करेंगे, और मैं भरसक कोशिश किया कि हमारे कंस्टिट्यूएंसी में शांति रहे, और हमें उम्मीद है अभी तक जो सिचुएशन है कि इसमें हमारा क्षेत्र अभी तक बहुत शांति में है, क्योंकि हमारे जीतने के बाद कोई ऐसी वारदात भी नहीं हुई। विकास के क्षेत्र में जो आपने सपने देखे, विकास के क्षेत्र में 18 महीने की सरकार में हमने बहुत सा काम ऐसा करवाया, जैसे आपको मैं बता दूं कि नवोदय विद्यालय इस जिला में एक विद्यालय आया था, तो उसके लिए मैं जमीन उपलब्ध करा करके जिलाधिकारी से मैं रिपोर्ट करवा दिया। ITI कॉलेज जिला में एक आया था, उसको ले जाकर के मैं अपने कंस्टिट्यूएंसी में करवा दिया। चांद परना पुल जो लाइफ लाइन है हमारे मीनापुर का, उसके लिए हमने उप मुख्यमंत्री थे हमारे तेजस्वी यादव जी, जो हमारे नेता हैं, उन्होंने घोषणा कर दिया था कि चांद परना पुल बनेगा, और उन्होंने तुरंत उसके लिए पदाधिकारियों को वहां प्रतिनियुक्ति किया, और तमाम जगह से DPR तैयार, सारे जगह मिट्टी टेस्ट होकर DPR भी तैयार हो गया, 109 करोड़ का DPR तैयार होकर चला गया। अब ये महासंजोग है कि उसी के बीच में हमारी सरकार चली गई, मीनापुर मेन रोड जो है झपहा से लेकर के और सिपाही पट्टी तक को मैंने टू लाइन करवाने का काम किया, तीन तीन बार टेंडर हमारा कैंसिल हुआ, उसके बाद भी मैं टेंडर करवाया, टेंडर होने के बाद भी रोड कैंसिल हो गया। चांद परना पुल के अलावा आपको हथियावर पुल, शीतल पट्टी पुल, कफेन पुल, ये तमाम पुल का DPR बन के तैयार पड़ा हुआ है। ITI कॉलेज का यूनिट बन गया मेरे यहाँ, मीनापुर ITI कॉलेज में एडमिशन हो गया, भवन निर्माण विभाग में मेरा फाइल पड़ा हुआ है, पैसा आवंटन नहीं हो रहा है कि हमारे यहाँ ITI कॉलेज बने। तो मगर अगर ये सब चीज हो गया है और पैसे के अभाव में काम नहीं हो रहा है, तो जनता को तो सफर करना पड़ रहा है, तो इस अवस्था में आप क्या करेंगे, कैसे इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? नहीं, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो है ये जो हमारे मीनापुर का जो विकास का काम है उसको बाधित नहीं करे, क्योंकि जनता का काम है वो, और सरकार किसी की भी हो जनहित में काम होना चाहिए। तो इस जनहित के काम को पूरा करने के लिए आपके इसी पीरियड में होगा या फिर सरकार बदलने का? नहीं, हम लोग तो आंदोलन करेंगे इसके लिए, हम लोग देख रहे हैं इसके लिए आंदोलन करेंगे। हमारी बात हुई है, जैसे पथ निर्माण मंत्री से बात हुई हमारी पुल के लिए, आपको श्रम संसाधन मंत्री से बात हुआ हमको ये ITI कॉलेज वाला बिल्डिंग भवन निर्माण से पैसा अलॉट कराने के लिए। अगर ये काम अगर नहीं हुआ, अगर इस वित्तीय वर्ष में अगर नहीं हो पाया, तो अगले वित्तीय वर्ष से हम लोग आंदोलन करेंगे, कोशिश करेंगे कि आंदोलन के जरिए हुआ, नहीं होगा तो हमारी सरकार बनेगी तो मैं इसको बनवाने का काम करूंगा। विधायक, ऐसा नहीं लगता जैसे अभी आपने कहा कि अपराध बहुत चरम सीमा पर बढ़ गया है, अब तो राजनीतिक हत्याएं भी होने लगी है, बदले की कार्रवाई के तहत हत्याएं होने लगी है, एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते जितना प्रतिकार आपको करना चाहिए था, आपको लगता है कि आप कर रहे हैं? मतलब ये कहां का, मीनापुर का? मीनापुर, पूरे बिहार, मीनापुर। देखिए, पूरे बिहार में आप देखे होइएगा कि अगर हमारे नेता, अगर प्रतिपक्ष नेता, प्रतिपक्ष जो है हमारे, अगर आवाज नहीं उठाए रहते,
तो इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ था मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड का, यह पता होना चाहिए आपको कि एक महीना के बाद उसमें FIR हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार के पुलिस को जानकारी भी नहीं है कि दफा भी ठीक से नहीं लगा पाया। अगर हमारे नेता अगर इस पर आवाज नहीं उठाए रहते, विधानसभा में अगर इस पर बुलंदी से आवाज नहीं उठा रहता, तो हमको लगता है कि ब्रजेश ठाकुर अभी तक बाहर रहते। ये तो हमारे नेता का देन है कि इस घटना में जो है दोषी को सजा मिला है। और जहां भी अपराध हुआ, चाहे नंदन गांव हो या कहीं भी हो, मजबूती से हमारे नेता ने उसका पक्ष रखा है और सरकार के खिलाफ जो है बोलने का काम किया है। हम लोग अपने नेता पर हम लोगों को गर्व है। आप अपने समर्थकों को, अपने जनता को, अपने शुभचिंतकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही संदेश दूंगा अपने तमाम मीनापुर वासी को, जो मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, कि धैर्य रखें और मीनापुर के विकास से हम कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। उसके लिए हमने प्रारूप तैयार कर लिया है। कई सड़कें, हमको लगता है कि 500 से ऊपर सड़कें हमने टेंडर करवा दिया है। GTSMY से 29 सड़कें टेंडर हुआ है, 32 सड़कें MMGSY से हुआ है, इससे पहले भी सड़कें बनी है। लेकिन मुख्य काम जो मेरा बचा हुआ है, कफेन पुल, चांदपरना पुल, हथियावर पुल, शीतलपट्टी पुल, नवोदय विद्यालय, ITI कॉलेज, ये तमाम चीजों के लिए मैं संघर्षरत हूं। आगे भी मैं आंदोलन करूंगा और मीनापुर के विकास से मैं समझौता नहीं करने वाला हूं। अब इसके लिए हमको अगर अपने नेता से बात करना हो, मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा। संघर्ष भी करना हो संघर्ष भी मैं करूंगा, क्योंकि हम एक सोच लाए थे मीनापुर में कि हम जब बनेंगे तो अच्छा काम करेंगे, लोगों में भाईचारा कायम करेंगे, जात पात से अलग हट करके हम भाईचारा कायम करेंगे और मीनापुर में शांति बहाल करेंगे। तो मीनापुर के लोगों ने, तो मैं क्या कहूं, मैं धन्यवाद देता हूं अपने मीनापुर के लोगों को कि मीनापुर के शांति में उनका अहम योगदान रहा है और आगे भी रहे, इसका मैं उम्मीद करता हूं। तो ये थे विधायक मुन्ना यादव। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।